सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेमेस्टर। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से और प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे HSCL के बारे में, जिसे आप हिमाचल स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के नाम से जानते होंगे। फिलहाल 297 पे ट्रेड कर रहा है और जो हमारे पुराने व्यूअर्स उनको पता है, इस स्टॉक को मैं 40 रुपए से रिकमेंड कर रहा हूँ। जब स्टॉक 100 रुपए के आसपास गया तभी मैंने कहा था आराम से आपको 300 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। फिर जब स्टॉक 278 पे गया था तभी मैंने आपको कहा था आराम से इसको आप होल्ड करें, आपको 300-400 जाते हुए देखने को मिल सकता है। फिर स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आया था तभी मैंने कहा था इसको बाय करें, और मैं अभी आपको बाय करने की सलाह दूंगा। आराम से स्टॉक आपको 400 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। और व्यूअर्स में ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारे न्यू व्यूअर्स है उनको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो पुरानी वीडियो आप हमें जाके देख सकते हैं, इसमें मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, हर वीडियो में इसको बाय करने की सलाह दी है। और जो हमारा शेयर है जेपी पावर, उस स्टॉक को भी मैंने करीब 6 रुपए के आसपास आपको रिकमेंड करा था, स्टॉक 15 रुपए का हाई बना चुका है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा, उसको आप सेल कर दीजिए, इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, आपको स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर अभी आपको कोई पावर सेक्टर का कोई स्टॉक बाय करना है तो टाटा पावर बहुत ही सही प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है। वैसे देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, पर आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न आगे दे सकता है, आराम से आपको 400-500 रुपए तक जाते देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर। और वहीं आज के दिन अगर हम निफ्टी भी देखें, कल के दिन आज तो मार्केट बंद है, सीधा मंडे को ओपन होगा, देखें तो 21,000 के लेवल को टच कर चुका है और अभी 20,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, और मैं आपको यही बोल रहा हूँ, इस तेजी में जो पैसा नहीं बना सकता ना, वो कभी पैसा नहीं बना सकता, क्योंकि इस तेजी में बहुत ही आसानी से पैसे बन रहा है। फिर आप सोचोगे जब मार्केट गिरेगा तब तो आपका पैसा बनेगा ही नहीं, जो नहीं बना पा रहे उसमें उनको यही कहना चाहता हूँ, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। क्योंकि मैं इतने सारे से रिकमेंड कर चुका हूँ, BCG देख सकते हैं कहाँ 9 से 13, 13 से देखते हैं 22-23 पे चले गया, तो इसे अच्छे से स्टॉक आप गवा चुके हैं। और मेरा ऐसा नहीं है उन यूट्यूबरों के जैसे कि मतलब स्टॉक भग रहा है मैं आपको बोलूँ ये भग रहा है इसको आप बाई कर लो, गिर रहा है तो इसको बोलूँ कि सेल कर दो, इसको सेल कर दो, मेरा ऐसा नहीं है। जो स्टॉक गिरते रहते तब मैं उसको बोलता हूँ इसको बाई करो। जेपी पावर को मैं कब से बोल रहा था बाई करो बाई करो, BCG को बाई करो बाई करो कहता हूँ, BCG में कोई दोराय नहीं है, अभी 22 रुपए के आसपास ट्रेड करा, आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। पर जो ये तेजी आने वाली है आराम से BCG आपको 100 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। उसमें आपको बस यही कहना चाहूंगा, आप आराम से उसको होल्ड करिए, आपका पैसा 100 गुना भी हो सकता है स्टॉक के अंदर। अगर आप देखें तो FISDS को अच्छा खासा दबा के बाई कर रहे हैं। सॉरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। पहले इसका मार्केट देखिए 13,073 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो की बहुत ही अच्छा खासा है। और एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी HSCL को लेकर, 4,800 करोड़ का लिथियम आयन बैटरी का जो पावर प्लांट है वो स्टेब्लिश करने वाले हैं। और अगर आप कंपनी का काम देखें तो कंपनी जो है जितनी भी एक्साइड हो गई अमर राजा व्यक्तियों की जो बैटरी है उनके अंदर जो लिक्विड यूज होता है उसको बनाने का काम करती है, इंडिया की इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल बनाने वाली लीडिंग कंपनियों में से एक है। और जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कार्बन मटेरियल और केमिकल का ही है। और इसका अगर आप चार्ट देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 6 महीने के अंदर देखें तो 130% रिटर्न दे चुका है, जो कि कम नहीं होता है। अगर आप साल भर में देखें तो 198% स्टॉक रिटर्न दे चुका है, देख सकते हैं यहाँ 100 रुपये से के आसपास यहाँ ट्रेड कर रहा था, इसमें एक साइड वे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, फिर एकदम इसमें एक तेजी आई थी, फिर एक करेक्शन आया, फिर से आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। आप इसका अगर 5 साल का रिटर्न देखें ओनली 119% रिटर्न देखने को मिल रहा है। और करीब हमने 2021 में 40 रुपए के आसपास वीडियो बनाई थी, मैंने तब कहा था आपको कि आराम से आप इसको होल्ड करिए, आपको बहुत अच्छी बना दे सकता है। वहीं अगर आप इसका फंडामेंटल देखें तो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, जो इनकी सेल्स सितंबर 2020 में 389 थी, जो कि फिलहाल सितंबर 2023 में 1005 हो गई है। तो कंपनी का सेल्स अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 158 हो चुका है। वहीं अगर आप इनका बैलेंस शीट देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल का मार्च 2012 में 39 था, जो कि फिलहाल सितंबर 2023 में 44 हो चुका है। तो कंपनी का इक्विटी कैपिटल भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पर जो एक थोड़ी सी खराब चीज देखने को मिल रही है वो प्रमोटर की होल्डिंग, यहाँ अगर आप देखें 45.44 थी दिसंबर 2020 में, जो कि फिलहाल सितंबर 2023 में 44.86 हो चुकी है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर चुके हैं, थोड़ा सा डिक्रीज करा तो इसको खराब तो नहीं बोलेंगे। वहीं अगर आप FIS की होल्डिंग देखें फॉर इन्वेस्टर की, जो कि 0.72 थी, जो कि अभी सितंबर 2023 में 5.12 हो चुकी है, तो यहाँ FIS अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करें। DIS की देखें तो 0.24 थी, जो कि फिलहाल अभी 0.54 हो गई है, तो DIS भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग 53.60 थी, जो कि फिलहाल अभी 49.53 हो चुकी है, तो पब्लिक होल्डिंग यहाँ घटते हुए देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल शेयर पैटर्न देखिए तो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, फंडामेंटल भी बहुत ही अच्छे हैं। कॉम्पिटिटर आप देखते हैं, जैसे पीडीलाइट, SRF, सोलर इंडस्ट्री, गुजरात दीपक नाइट्राइड, टाटा केमिकल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ है। वहीं अगर आप इनका ROCE देखें तो 13.71 का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है एक छोटे से मार्केट कैप के हिसाब से। तो अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं, और आपने इसको बाय कर रखा आराम से इसको होल्ड करिए, आपको और भी अच्छी तरह दे सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।